माय चैनल। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आप खुश रहे। आप सावित्री व्रत है और उसकी पूजा है तो मेरी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और मैं तैयार हो गई हूँ। तो आज का ब्लॉग केवल वट सावित्री व्रत को लेकर है कि किस तरह से मैंने सारी की सारी प्रिपरेशन की और मैंने क्या क्या किया, तो बने रहेगा मेरे वीडियो के एंड तक। वट सावित्री व्रत के लिए लुक है जो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे उनको सिंपल सा लुक रखना है। सिंपल सा है बट मुझे इसी तरह का सिंपल सा और नेचुरल लुक पसंद है। चलिए पूजा की तैयारी करते हैं, फटाफट पूजा करें। मैंने रात को एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी। दो कोन मैंने मंगाए थे, रात को 9:30 बजे लगाना शुरू किया था तो मुझे 11 बज गए थे। तो पैरों पे ही मेहंदी लग पाई, हाथों पे नहीं लग पाई। मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी और बस उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, वो भी अदरक वाली चाय। तो आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि लड्डू गोपाल जी की भी सेवा है और वट सावित्री की भी पूजा है, तो सारा दिन ऐसे ही बिजी जाने वाला है। चाय बनकर मेरी रेडी हो गई है और रात को जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो अब सूख गई है, लेकिन पूरे घर में बेड पे सब जगह बस मेहंदी मेहंदी हो गई क्योंकि रात को मैं ऐसे ही सो गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। और देखते हैं अब इसका कलर कैसा आता है। वैसे ऐसे बोला जाता है कि सरसों का जो अचार का जो तेल होता है अगर वो मेहंदी पे लगाया जाता है तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। देखते हैं क्या होता है। अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। लंच में मैंने छोले बनाए और पूड़ी बनाए नाश्ते में, और दोपहर के वक्त मैं नान बनाऊँगी। तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार मैं बाद में होंगी। तो किसी भी पूजा में हम लोगों में सबसे ज़्यादा होता है कि अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं या चौकी की स्थापना कर रहे हैं तो चौक ज़रूर बनाते हैं हल्दी और आटे से। मुझे चौक बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब मैं छोटी सी थी मैं ताई जी के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे अपनी जो मेरी कज़न सिस्टर वगैरह थी उनसे मैंने चौक बनाना सीखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है चौक बनाने का है। तो आज मैं घर पे ही पूजा करने वाली हूँ। तो बरगद की डाल मैं ले आई थी। तो अगर घर पे पूजा करते हैं तो बरगद की 5 पत्तों वाली या 7 पत्तों की डाल लीजिए और पत्ते बिल्कुल भी फटे कटे नहीं होने चाहिए। तो अब मेरी पूजा की लगभग तैयारी होगी। अब मैं खुद तैयार हो रही हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो इस तरह का, चाहे वो करवा चौथ हो, गणगौर हो या कोई भी फेस्टिवल हो, बिना सजे तो बिल्कुल मतलब एक सजने का मौका मिल जाता है और सजना संवरना तो इतना ज़्यादा पसंद है। भारी भारी पायल आज मैंने बिछी है, भी नए पहने हैं, भारी वाली पायल पहनी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा मेकअप भी हो चुका है, मेकअप बहुत लाइट रखा है मैंने क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्यों इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने वाली है, तो इसलिए मैं बाद में तैयार हुई, पहले मैंने पूजा की तैयारी कर ली और नेचुरल बस मेकअप लुक रखा है। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ में मैंने मेकअप लुक रखा है और मैं सिंदूर लगा रही। वैसे तो मैंने सुबह ही सिंदूर पूरी मांग में भर लिया था लेकिन मुझे ऐसे सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। तो मेरी पूजा की जो मैंने थाली तैयार करी थी, उस पूजा की थाली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भीगा हुआ चना, रोली, हल्दी, चावल, कच्चा सूत और जो भी आपका मंसने का सामान है, खरबूजा वगैरह है, कोई फ्रूट वगैरह है, या हर घर का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उस तरीके से अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दीपक जोड़ दिया और मैंने फूल, रोली, अक्षत, हल्दी सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। मुझे ये सावित्री की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं आज एक छोटी सी सावित्री बट सावित्री की कहानी मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कि मगध के राजा थे, उनकी एक पुत्री हुई थी जो कि बहुत मिन्नतों से हुई थी, जिसका नाम सावित्री उन्होंने रखा। तो जब वो अपने वर को चुनने के लिए गई तो उन्होंने अपने पिता को बोला कि मैंने ये वर चुना है, तो सत्यवान को उन्होंने चुना था। तो वहीं पर नारद जी आए हुए थे तो नारद जी ने बोला कि ये वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत गुणवान है, बट लेकिन जब ये 12 साल के होंगे तब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर उनके पिता ने बोला कि बेटा आप किसी और को अपना वर चुने। तो सावित्री ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि एक बार मैंने जिसको चुन लिया वो चुन लिया। तो उन दोनों की शादी हो गई, उनकी विवाह हो गया और धीरे धीरे करके समय निकलने लगा। ऐसे समय करीब आने लगा तो सावित्री अपने पति का ज़्यादा ध्यान रखने लगी और उनके लिए उपवास करने लगी। तो एक दिन वो आ दिन आ गया जब नारद जी ने बोला था कि ये दिन इनका मृत्यु का दिन हो
सकता है। तो फिर उस दिन सत्यवान लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गए, तो सावित्री जी भी उनके साथ साथ गईं। अचानक से लकड़ी काटते वक्त वो ज़मीन पर आ गिरे और मूर्छित हो गए और बेहोश हो गए। तब सावित्री जी ने उनका सर अपनी गोदी में रखा और उनका ध्यान रखने लगी। इतनी देर में यमराज जी सामने आ गए और यमराज जी बोले कि मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके पति के प्राणों को ले जा सकूं। तो इस पर सावित्री जी उनको वहीं लेटा छोड़कर और यमराज जी के पीछे पीछे चल दी। तो यमराज जी बोलने लगे कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हारे पति के प्राणों को नहीं दूंगा। पर सावित्री जी नहीं मानी। तब यमराज जी ने उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उनको 3 वर मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने पहले वर में सावित्री जी ने मांगा कि मेरे सास ससुर की लंबी आयु हो और उनकी नेत्र ज्योति उनको वापस कर दीजिए। तो उन्होंने यमराज जी ने तथास्तु बोल के वो वापस चल दिए। फिर भी सावित्री जी नहीं मानी। उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने यमराज ने दूसरा वर मांगने के लिए बोला। तो दूसरे वर में उन्होंने खोया हुआ अपना साम्राज्य पूरा का पूरा वापस मांगा। तो फिर से तथास्तु बोल के फिर से यमराज आगे चल दिए। पर सावित्री जी अभी भी नहीं मांगी। तीसरे वरदान मांगने को जब यमराज जी ने बोला तो बहुत तीव्र दिमाग थी, इसलिए उन्होंने जो है ना बहुत चालाकी के साथ में उनसे बोला कि मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। तो यमराज जी ने बिना सोचे समझे उनको 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया और फिर यमराज जी आगे चल दिए। तो फिर से उन्होंने देखा कि सावित्री अभी भी नहीं मानी और पीछे पीछे आने लगी। तब सावित्री जी ने यमराज जी को बोला, अरे यमराज जी, मैंने आपसे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा है, लेकिन मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तब यमराज जी सावित्री से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इतने ज्यादा खुश हुए कि खुश होकर उन्होंने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। तो उस दिन से इस व्रत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस दिन से हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करती है। इस तरह से मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई। तो और अब मुझे लग रही है बहुत ज्यादा तेजी से भूख, छोले तो बने हुए रखे हैं और मुझे बनाना है नान। तो नान बना के मैंने सब लोगों को खाना खिला दिया और अब मैं खाना खाऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।